एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम की पाठशाला में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का जो आपने न्यूज सुना है या पोस्टपोन्ड हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है, सारी बातें पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा ASO का एग्ज़ाम, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से पब्लिक सर्विस कमीशन जो उड़ीसा का है वहाँ का न्यूज़ जो है मैं आपको देने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से स्टूडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको हर नई अपडेट समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारी की सारी अपडेट्स आपको समय के हिसाब से मिलती रहे। यहाँ पर हर वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको अब लेकर के चलता हूँ न्यूज़ पर। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा ये odishatv.in, ये देखिए उड़ीसा का ये अपना चैनल है, मीडिया चैनल है। अनसर्टेनिटी ओवर ASO एग्ज़ाम ऑन August 27 एज मैटर रीचेज उड़ीसा हाई कोर्ट एमिड पोस्टपोनमेंट डिमांड। जी हाँ दोस्तों, डिमांड रखा गया है पोस्टपोनमेंट के लिए। अब बात की जाए क्या रखा डिमांड, किस तरीके का क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको एक मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जो लेटर जो लिखा था, ये देखिए पूनम पत्रा, ये देखिए हैशटैग, इतने सारे हैशटैग और टू दी ऑनरेबल नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ये देखिए पोस्टपोनमेंट ऑफ ASO एग्ज़ाम। यहाँ कोई फेक न्यूज़ नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो भी है असली और बिल्कुल सच्चाई भरी न्यूज़ है। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लेटर पढ़ सकें। दोस्तों आगे की अपडेट मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।